मैं बहुत छोटा था तब, मतलब मेरा मेरा फादर का एक्सीडेंट हो गया था, और विपला फाउंडेशन ने मुझे उस टाइम पे मेरा एजुकेशन के लिए हेल्प किया, और मैं आज मतलब अच्छा अच्छा एजुकेशन लेके मतलब मैं अच्छा फील करता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला गुड एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का, जो विपला फाउंडेशन पिछले 35 सालों से बेस्ट ट्राई कर रहा है अंडर प्रिविलेज बच्चों को और जो भी बच्चे नीड में उनको देने के लिए. यस, तो बहुत अच्छा लगता है. और इसी वे में मैं बाद में म्यूजिशियन बना. तब मैंने एक दिन मेरा टेडेक्स टॉक में मैंने ये बात बताया कि सेव द चिल्ड्रन इंडिया, जो विपला फाउंडेशन का नाम पहले सेव द चिल्ड्रन इंडिया था, तो मैंने वो बात टेडेक्स टॉक में बताया कि मेरा एजुकेशन के लिए सपोर्ट हुआ. तो उसके वजह से उन्होंने फाइंड आउट किया कि अरे ये बच्चा आज मतलब म्यूजिशियन है, और ये बच्चा हाँ मतलब हमारे फाउंडेशन में से है. तो ऐसे हम लोग मिले, फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मेरे टीम को कनेक्ट किया, नम्रता को कनेक्ट किया, और हम लोग मिले वापस. और ये जर्नी जो जो वहाँ से स्टार्ट हुआ था जब मैं छोटा था, ये जर्नी अभी वापस मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइफ टाइम और आगे चले और आगे बढ़ते रहेगा एंड तक. और मैं भी बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं भी जैसे विपला फाउंडेशन सपोर्ट करता है वैसे मैं भी सपोर्ट कर सकूँ लोगों को, मेरे मैसेज के थ्रू, मेरे बातों के थ्रू, मेरे मेरे काम के थ्रू, मेरे जो भी चीज़ मतलब मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मैं बेस्ट ट्राई करूँ. क्रिएटिव प्रोसेस पे डेफिनेटली आज आज जब मैं यहाँ पे आया और मैं इतने सारे लोगों को जब मैं मिला जो कि बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि देश के मतलब देश को सपोर्ट कर सके और देश के लोगों को सपोर्ट कर सके, तो डेफिनेटली बहुत सारा इंस्पिरेशन मैं आज लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि विपला फाउंडेशन में ही नहीं बट जब भी मैं दुनिया को भी देखता हूँ मेरी नज़र से, और मैं नॉर्मली भी देखता हूँ, तो मैं हमेशा मतलब एक एम्पैथी के नज़र से देखता हूँ. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी मतलब मैं कैसे किसी को हेल्प कर सकूँ और मैं कैसे कोई भी कमी है उसको कैसे पूरा कर सकूँ. यस, क्योंकि मेरी कमियाँ पूरी की गई है इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि मैं भी बेस्ट ट्राई करूँ कि जब भी मैं कोई कमी देखूँ तो मैं कैसे पूरी करूँ.